अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जायके दर खाना। आज मैं आपको मूंगफली और गुड़ से बहुत ही टेस्टी बर्फी बनाकर दिखाऊंगी। इतनी टेस्टी और सॉफ्ट बर्फी बनती है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी इसे आसानी से खा सकते हैं। सिर्फ दो चीज़ों से ही बहुत ही फटाफट ये बर्फी बन जाती है और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम होती है कि मुँह में जाते से ही घुल जाती है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट इस टेस्टी और आसान सी बर्फी को बनाना। मूंगफली के दानों की बर्फी बनाने के लिए मैंने आधा किलो मूंगफली के दाने लिए हैं। ये मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ। गैस की फ्लेम को मीडियम लो रखना है। इन दानों को लगातार चलाते हुए मैं सेक लूंगी। जब दाने अच्छी तरह से सेक जाएंगे तो इनका छिलका अपने आप उतरने लगेगा। 8 से 10 मिनट लगेंगे इन दानों को सेकने में। मूंगफली के दाने अच्छे से सिक गए हैं। देखिए इस तरह से इनको हम मसलेंगे तो आसानी से इनका छिलका निकल रहा है। मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इनको एक थाली में डालकर इनके छिलके साफ कर लेती हूँ। दानों को एक थाली में डालकर हाथों से मसल मसल कर इसके सारे छिलके निकाल लें। देखिए बड़ी इजीली छिलके निकल जाते हैं। दानों से मैंने छिलके अलग कर लिए हैं। हाथों से मसलने के बाद या तो दानों को फटक लें या फिर छान भी सकते हैं, आसानी से छिलके अलग हो जाते हैं। अब इन दानों को मैं मिक्सर के जार में डालकर दरदरा पीस लूंगी। ज्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा पीसूंगी। मिक्सर को रुक रुक के चलाना है, दरदरा पाउडर बन जाता है। मूंगफली के दानों का मैंने दरदरा पाउडर बना लिया है। इस तरह से पाउडर होना चाहिए, ज्यादा महीन पाउडर नहीं बनाएंगे। मिक्सर को रुक रुक के चलाएं तो इस तरह का पाउडर मिल जाता है। गैस ऑन करके उसमें मैंने एक पैन रख दिया है। अब इसमें मैं ये आधा किलो गुड़ डालूंगी। आधा किलो मूंगफली के दाने लिए थे तो गुड़ भी मैंने आधा किलो ही लिया है। गुड़ को मैंने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है जिससे गुड़ पिघलाने में आसानी होगी। अब ये गुड़ मैं इस पैन में डाल देती हूँ। गैस की फ्लेम को लो कर दूंगी। लो मीडियम फ्लेम पर ही इस गुड़ को पिघलाना है। एक छोटा चम्मच शुद्ध घी डालूंगी। घी ऑप्शनल है पर अगर है तो जरूर डालें, इससे बर्फी बहुत ही टेस्टी बनती है। एक छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट डालूंगी। अदरक का पेस्ट डालना ऑप्शनल है। सर्दियों का मौसम है, अदरक भी बहुत ही ज्यादा आ रहा है तो इस बर्फी में अदरक डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बर्फी लगती है। ये तो ये पेस्ट मैं इसमें डाल देती हूँ। अब गुड़ को मैं चलाती रहूंगी जब तक ये पूरी तरह से पिघल नहीं जाता। इस गुड़ को बस पिघलाना है, इसकी कोई चाशनी नहीं बनाएंगे, ना एक तार की ना दो तार की। जब तक गुड़ पिघल रहा है जिस थाली पे बर्फी जमा ली है उस पर घी लगा लें। इस तरह से स्पैचुला से गुड़ को फोड़ते भी जाएं, इससे गुड़ आसानी से पिघल जाएगा। गुड़ पिघल चुका है, गैस की फ्लेम को मैंने लो रखा है। अब इसमें मैं पिसे हुए मूंगफली के दाने डाल देती हूँ और जल्दी जल्दी इन दानों को गुड़ के साथ में मिलाना है। दाने और गुड़ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इस बैटर को घी लगी हुई थाली पे निकाल लेती हूँ। कटोरी को उल्टा करके इस पर भी मैंने घी लगा लिया है, इससे मैं बैटर को फैलाऊंगी। शुरू में बैटर ज्यादा गर्म रहता है इसलिए हाथों का यूज नहीं करें। जब बैटर हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो हाथों से चारों तरफ से किनारों को भी सेट कर लें। हाथों से बैटर को सेट करने के बाद में कटोरी के पेंदे से चिकना कर लेंगे। हाथों पर और कटोरी के पेंदे पे घी लगाना नहीं भूलें। घी लगाकर ही बर्फी को सेट करना है। बैटर अच्छी तरह फैल चुका है। बैटर को फैलाने के बाद इस पर मैं कट का निशान लगा लूंगी जिससे बाद में बर्फी निकालने में आसानी होगी। जिस साइज की हमें बर्फियां रखनी है उस हिसाब से कट लगा लें। सारे निशान मैंने लगा लिए हैं। अब इस बैटर को मैं अच्छी तरह सूखने देती हूँ। इसके बाद आपको पीस निकाल कर दिखाऊंगी। बर्फी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इस बर्फी को मैं निकाल लेती हूँ। जो कट के निशान लगाए थे उन पर दोबारा एक बार फिर मैं कट लगा लूंगी। अगर बर्फी निकालने में परेशानी आ रही है तो थाली को कुछ सेकंड के लिए गर्म कर लें। देखिए कितनी बेहतरीन बर्फी बनी है, बहुत ही ज्यादा खस्ता और मुलायम बर्फी है। सारी बर्फियां मैंने निकाल ली हैं। बहुत ही टेस्टी मूंगफली और गुड़ की ये बर्फी बनी है। सिर्फ दो चीजों से ही ये बर्फी बनकर तैयार हो जाती है। अदरक डालना इसमें ऑप्शनल है पर डालें तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। एक बर्फी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी इजीली ये टूट रही है। बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी इस बर्फी को बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बर्फी बनी है तो आप भी इस तरह से मूंगफली और गुड़ की ये बर्फी बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए। सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक बार फिर जायकेदार खाने में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।